सिद्धि, सिद्धि, शिदि, जो चाहे नाम दो, लेकिन बात जिन लोगों की हो रही है वे अफ्रीकी नस्ल के वो व्यक्ति हैं जिनकी जड़ें तो बेशक अफ्रीका में हैं लेकिन जो अब हिंदुस्तानी एवं पाकिस्तानी हैं। भारत में ये गुजरात, कर्नाटक और हैदराबाद एवं महाराष्ट्र में मिलते हैं, वहीं पाकिस्तान में मकरान एवं कराची में। इनके बारे में कई राय हैं। इन्हें सेलर, व्यापारी और सैनिक माना जाता है। कहा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में ये अरबी हमलावर मोहम्मद बिन कासिम के साथ आए। एक राय ये भी है कि ये अरब के यात्री व्यापारियों के साथ साथ यहाँ आए। बाद में एक मान्यता और बनी कि पुर्तगाली इन्हें दासों के रूप में यहाँ लाए। ये पूर्वी अफ्रीका से यहाँ आए, मूलतः अफ्रीका का वह क्षेत्र जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इन्हें बांटू जनजाति से भी जोड़ा जाता है। ये सभी मान्यताएं आंशिक सत्य हो सकती हैं। हो सकता है ये सभी रूपों में आए हों, क्योंकि यदि हम इतिहास को टटोलने निकलें तो हमें इनके राजतंत्र में महत्वपूर्ण औहदों पर होने के प्रमाण मिलते हैं। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया के समय जमालुद्दीन याकूत, जिसे अमीर आकूर का पद दिया गया था, वह घुड़साला का यानी वो अश्वशाला का प्रधान था। बात तो ये भी प्रचलित है कि वह रजिया का प्रेमी था। कमाल अमरोही ने इस प्रसंग पर रजिया सुल्तान नाम से फिल्म बनाई है, जिसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने मुख्य भूमिकाएं अभिनीत की हैं। शिवाजी के वक्त में ये काफी शक्तिशाली थे। इतिहास में प्रसंग आता है कि शिवाजी का संघर्ष जंजीरा टापू के अधिपति अभी सीनियाई सीदियों से हुआ। सीदियों पर अधिकार करने के लिए उन्होंने नौसेना का भी निर्माण किया था, परंतु वो पुर्तगालियों से गोवा तथा सीदियों से चौल और जंजीरा को ना छीन सके। हिंदुस्तान में रहने वाले सीदी मुस्लिम सूफी मत में विश्वास करते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ कैथोलिक, क्रिश्चियन एवं हिंदू भी हैं। गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में कोंकणी और कर्नाटक में कन्नड़, वहीं हैदराबाद और पाकिस्तान में ये उर्दू का व्यवहार करते हैं। पाकिस्तान में तो नून मीम दानिश प्रसिद्ध पाकिस्तानी शायर हैं जो सीदी हैं। सीदी मानते हैं कि उनका ताल्लुक हजरत बिलाल से बनता है, हजरत बिलाल जो हबशी थे। सीदी दरअसल सैयद का ही बिगाड़ है। गिर सोमनाथ जिले में गिर के जंगलों में रहते हैं। इनका प्रकृति और शेरों के साथ का सामंजस्य काबिले दीद है। जूनागढ़ के नवाब ने इसलिए ही इन्हें जमीनें दी। पूरे बड़े सगीर में अतीत चाहे जो कहता हो, लेकिन आज इनकी हालत अच्छी नहीं है। इनकी क्षमताओं का इस्तेमाल खेल कूद प्रकृति के साथ सामंजस्य के लिए किया जा सकता है। ये आज भी अफ्रीका की आदिम जनजातीय परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। इनके पारंपरिक नृत्य को धमाल कहा जाता है। इनके ढोल को मुगरमान कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में इनको हमारी भाषा में गुफ्तगू करते हुए देखना एक रोचक अनुभव है।